रुझान वाली जगहों में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे ग्रीस में उल्का मठों की उत्पत्ति। अगर पूरी दुनिया नहीं तो ग्रीस में उल्कापिंड एक अनूठा स्थान है। आसपास का क्षेत्र विशाल चट्टान संरचनाओं से अटा पड़ा है। ये चट्टानें लाखों वर्षों से वहां हैं। हवा, बारिश और अन्य प्राकृतिक प्रक्रियाओं ने उन्हें समय के साथ और बदल दिया। 11वीं शताब्दी के बाद से भिक्षु लगभग अगम्य बलुआ पत्थर की पहाड़ियों के क्षेत्र में इन आकाश के स्तंभों पर बस गए। इन मठों में से 24 मठों की स्थापना 15वीं शताब्दी में विशाल चुनौतियों के बावजूद एमेटिक आदर्श के उल्लेखनीय पुनर्जन्म के दौरान की गई थी। 16वीं शताब्दी के उनके भित्ति चित्र उत्तर बीजांटिन चित्रकला के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत देते हैं। आज आगंतुक विशाल चट्टानों के ऊपर खड़े 6 उल्का मठों की यात्रा कर सकते हैं। शांत, आध्यात्मिक, जादुई, रहस्यमय, आश्चर्यजनक, लुभावनी, विशाल, प्रेरक और प्रभावशाली सभी शब्द इस जगह के बारे में सोचते समय दिमाग में आते हैं। ये केवल कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग लोग अक्सर उल्कापिंड के मठों की विशेषता के लिए करते हैं। भले ही आपकी रुचियां धार्मिक न हो, आपको मेटियोरा जाना चाहिए। आध्यात्मिकता को गहरा करने का यही एकमात्र तरीका है कि यह क्षेत्र पहले से ही निकलता है, भले ही आप हमारी प्यारी भूमि में कितने समय या कम रहें। वरलामी का मठ। वरलाम का पवित्र मठ मेटियोरा का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी के मध्य में वरलाम नामक एक भिक्षु ने की थी और यह ग्रेट मेटियोरो मठ के बेहद करीब है। 1350 के आसपास वरलाम कुछ अन्य भिक्षुओं की मदद से चट्टान को पार करने और मठ की स्थापना करने में सक्षम था। पवित्र त्रिमूर्ति का मठ। क्षेत्र में सबसे अधिक फोटो खींचवाने वाले स्मारकों में से एक है मेटियोरा का पवित्र ट्रिनिटी मठ अगिया ट्रोइडा। वहां पहुंचना सबसे चुनौतीपूर्ण होता है। जो लोग इस तक पहुंचने का प्रयास करेंगे उन्हें आसपास के क्षेत्र के लुभावने मनोरम दृश्य से पुरस्कृत किया जाएगा। रूसनौ का मठ। रूसनौ का पवित्र मठ 14वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था और यह मेटियोरा में स्थित है। इसका नाम उस समय के दौरान चट्टान पर रहने वाले पहले साधु भिक्षु के नाम पर रखा गया था। मुख्य गिरजाघर 16वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया था और 30 साल बाद मठ में रहने वाले एक भिक्षु द्वारा अलंकृत किया गया था। सेंट निकोलाउस का मठ। अनापफस के संत निकोलस का पवित्र मठ, जिसे एगियोस निकोलास के नाम से भी जाना जाता है, पहला सक्रिय मठ है जो हम मेटियोरा के मार्ग पर आते हैं। इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी के अंत में हुई थी। मेटियोरा के मठों की यात्रा प्रकृति की महिमा के साथ साथ इतिहास, वास्तुकला और ईश्वर से जुड़ने के लिए मनुष्य की शाश्वत खोज पर एक अद्वितीय परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है।
सेंट स्टीफन का मठ। एगियो स्टेफानोस की चट्टान पर पहली मठ बस्ती 12वीं शताब्दी की शुरुआत से निकलती है। इसके संस्थापक होसियोस एंटोनियोस हैं, जो 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में रहते थे, और होसियोस फिलिथियोस, जिन्होंने 1545 में पुराने छोटे और सुरुचिपूर्ण कैथलिकों की नींव से नवीनीकरण या पुनर्निर्माण किया था, जो अब एगियो स्टेफानोस का चर्च है। वरलामी का मठ। वरलाम का पवित्र मठ मेटियोरा का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी के मध्य में वरलाम नामक एक भिक्षु ने की थी और यह ग्रेट मेटियोरो मठ के बेहद करीब है। 1350 के आसपास वरलाम कुछ अन्य भिक्षुओं की मदद से चट्टान को पार करने और मठ की स्थापना करने में सक्षम था। प्रारंभिक ईसाई काल से ही मेटियोरा की चट्टानों को अंतिम अलगाव प्राप्त करने के लिए एक आदर्श स्थान के रूप में मान्यता दी गई है। एक ऐसा स्थान जहां लोग शांति और सद्भाव पा सकते हैं, इसलिए आध्यात्मिक चढ़ाई के लिए मानवता की शाश्वत खोज का समर्थन करते हैं। मेटियोरा वर्तमान में कवर किए गए क्षेत्र के मामले में ग्रीस का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। 1989 से यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल रहा है और 1995 से यह एक आधिकारिक ग्रीक पवित्र स्थल रहा है। बलुआ पत्थर की चट्टानों के किनारों पर सदियों पहले बनाए गए मठों के साथ विशाल रॉक स्तंभों का एक विशाल परिसर एक अद्भुत अद्वितीय परिदृश्य पैदा करता है जो ग्रह पर और कहीं नहीं पाया जाता है। Hope you like the video. We have more than 150 videos on trending places. Do like and subscribe. Keep watching.